आज को ये मेरी कहानी सुनने नहीं आया? उफ हो, मैं तो इस सूरदास से परेशान हो गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें सामने बैठे लोग दिख नहीं रहे? अरे मेरा दिमाग भी कहाँ घूम गया था। श्रीमान जी, आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको देखा भी नहीं, माफी चाहता हूँ। चलिए नाटक शुरू करते हैं। एक घना जंगल था, बच्चों रहती वहाँ थी ढेरों चिड़िया। उनकी चीची चूचू से ही फैली थी वहाँ ढेरों खुशियाँ। पर एक जालिम व्यापारी को भाई न थी, उनकी खुशियाँ काट काट सुंदर पेड़ों को छीन रहा था उनकी खुशियाँ। उन सारी चिड़ियों में बच्चों कोयल बुद्धिमान थी सबसे। बड़े बड़े प्रश्नों को भी वो हल करती चुटकी में झट से। कोयल ने एक दिन जल्दी से सब चिड़ियों को साथ बुलाया, कटते जाते पेड़ सभी। अब उसने सबको ये समझाया, मेरे सभी प्यारे सहेलियों और दोस्तों, आज मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है ये तो आपको पता ही होगा। एक जालिम व्यापारी लकड़ियाँ बेचकर पैसा कमाने के लिए इस जंगल के सारे पेड़ों को एक एक कर काटता जा रहा है। हाँ बहना, इस तरह तो वो जंगल के सारे पेड़ काट देगा और हम बेघर हो जाएंगे। फिर हम लोगों को खाने के लिए फल कहाँ से मिलेंगे? लो भाई, सुन लो इनकी बात, पहले रहने की जगह तो बचा लो, फिर खाने बारे में सोचना। अरे अगर सारे पेड़ कट गए तो हम रहेंगे कहाँ, और हमारे नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ फुटकेंगे, और तो और हम हमारे अंडे कहाँ देंगे। कोयल बहना बात से जंगल की ही नहीं, हर जगह पेड़ को काटा जा रहा है। चाहे गांव हो या शहर, उन्होंने हमारे घोंसलों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, हमें बेघर कर दिया है। आप सभी ठीक कह रहे हैं, हमें जंगल के ठेकेदार और उसके आदमियों को पेड़ काटने से रोकना होगा। पर ये होगा कैसे? मैना बहन, यही जानने के लिए तो आज मैंने सभा बुलाई है कि किस तरीके से हम उन्हें रोके। मैं उन सबके ऊपर अपने पंजों से हमला कर दूंगा। मैं अपनी नुकीली चोट से मार मार कर उन्हें घायल कर दूंगा। अरे दोस्तों, मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं उनकी आंखों से अंधा कर दूंगा। शान भाइयों शान, गुस्से से काम नहीं चलेगा। इंसान हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम उसे लड़ाई में नहीं हरा सकते। तो क्या हाथ से हाथ से बैठे रहे? नहीं, मैं यहाँ नहीं कह रही, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैं कुछ कहूँ कोयल बहना? हाँ हाँ बताओ। याद करें इतिहास जरा, हम याद करें बापू की माया, गांधी जी ने अनशन से गोरों को था दूर भगाया। मेरे पास एक उपाय है। हाँ हाँ बताओ। अरे आज सब चिड़िया को क्या हो गया है, ना कोई दाने चुग रहा है और ना ही कोई चहक रहा है। आज इन सब चिड़ियों उनको क्या हो गया है? क्या हुआ बेटी, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। देखो ना बापू, आज ना कोई चिड़िया दाने चुग रही है और ना ही चहक रही है। अरे तुझे खिलाना ही नहीं आता, ये देख अभी सारी चिड़िया खाएंगी भी और चहकेंगी भी। लाद दे। बापू ये सब तो रो रही है, अगर ये खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लगता है किसी दुष्ट ने इनका घोंसला तोड़ दिया है। ओ अब समझ आया कि ये क्यों गुस्सा है ये चिड़िया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटी। कैसी भूल बापू? मैं ही पैसों के लालच में आकर जंगल के सारे पेड़ उधेड़ रहा था, लेकिन अब मैं ना किसी को पेड़ काटने दूंगा और ना ही पेड़ कटने दूंगा। सारे पक्षी मुझे माफ करो और आराम से दाना दो। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो।